अमेरिका पर जयशंकर की सख्त टिप्पणी की चीनी मीडिया में हो रही तारीफ। यूक्रेन संकट के बाद से भारत अमेरिका के बीच में कई मामलों को लेकर मतभेद बढ़े हैं। दूसरी तरफ चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स आए दिन ऐसी रिपोर्ट्स छाप रहा है जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के निष्पक्ष रुख की तारीफ की गई है और अमेरिका को लताड़ा गया है। अब एक बार फिर चीनी अखबार ने भारत का पक्ष लिया है और कहा है कि अमेरिका को उभरती हुई शक्तियों से पेश आने का तरीका सीखना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स की ये टिप्पणी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के संदर्भ में है जिसमें उन्होंने अमेरिका को मानवाधिकारों के मामले पर दो टूक जवाब दिया था। अमेरिका को भारतीय विदेश मंत्री के सख्त जवाब को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया, आज़ाद भारत को मानवाधिकारों पर भाषण देने का अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है, अभी सही वक्त है। अमेरिका भारत को अपना ग्राहक देश समझने का सपना देखना बंद करें। अमेरिका अपनी महान नैतिकता को अपने पास रखें और उभरती हुई शक्तियों से ठीक ढंग से पेश आना सीखें। दरअसल अमेरिका भारत 2+2 वार्ता के बाद दोनों देशों के मंत्रियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के मानवाधिकारों की स्थिति पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका मानवाधिकारों के मुद्दों पर प्रतिबद्धता साझा करते हैं।